आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल गराड़ू। ये बिल्कुल वैसे लगेंगे जैसे हम चौपाटी पर सर्दियों में गराड़ू खाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से और बहुत टेस्टी। ये मैंने करीब 500 से 600 ग्राम गराड़ू ले लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था इसको छीलना बहुत मुश्किल होता होगा, कैसे करते होंगे, तो बट मैंने जब इसे छीला तो ये बड़ी आसानी से आलू के छिलके की तरह इसका जो पील था वो निकल गया। मैंने बहुत आराम से इसको छील लिया था और ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर रहा था। पहले वाइट था, फिर थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होने लगा। आप इसे बहुत आसानी से पील कर सकते हैं, है ना? तो आप इसे बहुत अच्छे से पील कर लीजिए। उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे, जैसे हम पोटैटो के फ्रेंच फ्राइज़ कर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें उतना ही बड़ा और उतना ही पतला हमको इसको कट करना है पीसेस को, है ना? ये देखिए मैंने कट कर लिया है, लेकिन जो मैं कट कर रही थी वो वाइट कलर थे और जो पुराने थोड़ा टाइम हो गया था जो मैंने पहले कट किए थे उनका कलर चेंज हो रहा था, वो थोड़े से ब्राउनिश होने लगे। खैर, अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और बिल्कुल तेल को भर कर डालेंगे। उसके बाद आप कर दीजिए फ्लेम को हाई। तेल जब बहुत अच्छे से बढ़िया से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गराड़ू। अभी फ्लेम जो है हाई है, तेल बहुत अच्छा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें गराड़ू डाल रही हूँ। आप बहुत सावधानी से इसमें गराड़ू डालिए, कहीं तेल आपके ऊपर उछट ना जाए, क्योंकि जो फ्लेम है वो हाई है अभी हमारा। आप आराम से उसमें गराड़ू डालिए और तेल को आप चम्मच की हेल्प से थोड़ा चलाते रहिए। क्या है, वरना वो गराड़ू चिपक जाएंगे। आपको सिर्फ कुछ सेकंड आपको चम्मच को चलाना है। हमें गराड़ू को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मतलब हमें चम्मच को चलाते रहना है। ये नहीं कि आपने कढ़ाई में गराड़ू डाला और आप वेट करने लगे, नहीं, आपको वहाँ खड़े होके उसे पकाना है। आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको चलाते रहिए। इससे क्या रहेगा, वो एक साथ सारे पक जाएंगे, वरना नीचे वाले गराड़ू पक जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इसके बाद ये इस कलर पर हमें गराड़ू को निकाल लेना है। ये पूरी पक गए हैं पूरी तरह से। अब आप थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर दीजिए जब आप उसको निकाल रहे हैं बाहर। ये देखिए, अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी जिससे उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि गराड़ू अपने आप में फीका होता है ना? तो मैं इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा पाउडर अगर है आपके पास भुना हुआ आप वो डाल दीजिए, और नींबू ज़रूर डालिए। और अगर नींबू नहीं डाल रहे हैं आप तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन चारों स्पाइसेस से टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है गराड़ू में। आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए। मैं इसमें अभी धनिया पत्ती भी डालूंगी। आप इसको धनिया पत्ती डालिए, ऊपर से नींबू निचोड़िए और फिर गरम गरम सर्व कीजिए। ज़रूर बनाइए ये रेसिपी को, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।